हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आपको मिलाते हैं एक नए कलाकार से जिनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। इनके टैलेंट को सुनिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगे। तो आज सबसे पहले हमें जो है क्या सुनाना चाहेंगे? मैं बहुत बढ़िया हीरो बनते की और उसकी बात ही अलग है, लोग सुनते ही पहचान लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आपकी मनपसंद जो आप कभी अकेले में गुनगुनाते हैं, वो एक बार और आपकी मनपसंद जो कभी भी आपको मौका लगता हो, टाइम मिलता हो तो वही बजाते हो, आपकी फेवरेट मनपसंद। जी बहुत बढ़िया, बताया डालो हो जाए दो चार मुंबई की टपोरी भाषा में, मतलब जो है किराए के पीछे, मतलब किराए के पीछे होती है ना, मैं क्या बोल रहा तेरे को, अक्खा मुंबई मेरे को जानती है, क्या बोल रहा हूँ मगज मारी बनाता हूँ फास्ट फिल्म में कोई भी। हाँ कोई ऐसे अभी जाता है ना वो रघु, हाँ कोई भी कोई भी टपोरी भाषा में कोई भी, वो रघु जाता है जो अपने घर में फास्ट पिक्चर में, वास्तव फिल्म में जब वो रघु जाता है कहता है हे माँ ये देख तेरे को एक जकास चीज दिखाऊं क्या, ये देख ऐसे नहीं चलता, ये दो पेटी का है क्या, देख मैं दिखाऊं तेरे को, ये इसमें ये ऐसे नहीं चलता, इसको डाला और किसी का तानना जिस पे तान दिया, खेल खलास खेल खलास। ये रवि अब तो उसको पुलिस से डर नहीं लगता, हे माँ पुलिस का छोड़, आप उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, टच भी नहीं कर सकता क्या, मुंबई पे राज करता हूँ मुंबई पे क्या, ये रघु संजय बाबा एंड में मरते ही सही है, मतलब संजय बाबा। मैं बरेली ऊना हिमाचल एक्सप्रेस जो ट्रेन जो बरेली से दिल्ली को जाती है, तो रास्ते में यार उसमें इतनी भर गई, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वो क्या हुआ कि यार भाई साहब उसमें मुझे जो है जगह जैसे तैसे तो मिली। अब उसमें जो है यार वो कई सारे लोग चढ़े, तो यार एक जो चढ़ा उसमें बड़ा यार वो गालिए और बदतमीजी देता हुआ चढ़ा, मैं जैसे ही अंदर चढ़ा ना तो बोले अरे बोले हटा यार, बिल्कुल हट करके तो रख दिए, ओए हट जाएगा ओए कलुआ ओए बताए बाट झाड़े तमिलनाडु हट करके रख दिए, वो यार मेरे बराबर में खड़ा हो गया, तो मैंने कहा यार बड़ा यार जो गुंडे टाइप का लग रहा है, मैं बराबर में ऐसे खड़ा हुआ, तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब कह लोगो, अरे ग्यारह कह लोगो ग्यारह, तो फिर मैंने कहा यार तुम यार 11 लोगों बराबर में, वो फौजी लेटा हुआ नहीं फौजी का नाम नहीं लिया मैंने, वो अकेला लेटा हुआ, मैंने कहा उसको देखो यार पूरी बर्थ पे अकेला सो रहा है, अरे बोले बेटा अबे हटेंगे ऐसी बातें कर रहे, बोले उनने यार उसकी चद्दर हटा दी, अरे बोले हटा यार पूरे पे अकेले सो रहे हो, उसने कहा भाई कह लोगो 11 आए कह लोगो, बोले ये बता तुझे फेंकू या बाद वाले को बाहर फेंकू, वो यार इतना डर गया वो मेरे पास आगे खड़ा हो गया, फिर मैंने उससे पूछा मैंने भाई साहब कह लो, अरे बोले यार 11 आए मेहनत मजदूरी करने जा रहे हैं ना अब हटो, बहुत बढ़िया। और ऐसी यार मैं बरेली ऊना हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन में जब मैं जा रहा था तो ऐसे ही क्या हुआ कि आपने देखा होगा वो ट्रेनों में जो पंखे लगे होते हैं ना, पंखों पे लोग जूते रख देते हैं, तो वो जूता रखा हुआ था एक के अब्बा नीचे बैठा हुआ था, जूता ऊपर से गिरा अब्बा की चांद में कुट से बैठा, अब लड़के को बड़ी गुस्सा आ गई, लड़के ने क्या करा जूता उठाया बाहर फेंकने लगा, वो स्लीपर पे जो बैठा हुआ था वो बोला अबे जूते के साथ तू भी बाहर जाएगा, उसके अब्बा ने सोची कि यार इससे बड़ी यार छोटे छोटी सी बात पे मेरा लड़का बाहर फेंके, बोले ना लड़ा मती ने कर लाग गई है। बहुत बढ़िया, बताओ नाम बताओ नाम क्या आपका, नेम कुरैशी नाम है, कहाँ रहते हैं ये, जैसे भाई माई फ्रेंड जैसे बोलते हैं ना लंगोटिया यार अंसार भाई है, अंसार भाई फारूकी जिन्होंने हमारे साथ में सिलाई सीखी है, मगर ये काजगढ़ में तक ही सीमित रहे, बहुत अच्छा हुआ ये भाई हमारे, ये तैयब भाई है इनके भाई मित्र है, ये हमारे बहुत खास है, बहुत दोस्त है, बड़े प्यारे हैं, बड़े अजीज है,
और बिनावर में रहते हैं, बिनावर बिनावर तो आपके अंदर इतना टैलेंट मतलब है आई थिंक, जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, लेकिन आपने कभी मुंबई आके ख्याल नहीं आया कि कभी फिल्मों में काम करूँ, ट्राई यार मुंबई में एक्टर बनने कभी आया नहीं ख्याल? नहीं, एक्टर बनने वाली बात यह है कि जब मैं उसमें देखता हूँ ना यूट्यूब चैनलों पे, तो जिस तरीके से उनको यार एड़ियां घिसनी पड़ती है, अब यार आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शरीर के हाथ मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है, हर महीने सिलेंडर खाली हो जाता है। वो यार वो मोदी जी ने वो सिलेंडर दिया तो ऊपर जो लिखा हुआ है कि धन्यवाद मोदी जी, एक औरत है वो ऐसे करके बेलन चला रही है, तो धन्यवाद मोदी जी, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये धन्यवाद आखिर है किस बात का? यार जरा सोचो कि मोदी जी ने माना कि फ्री में सिलेंडर दे दिया, ये तो वही बात हो गई, फ्री में छिप दे दी, गैस तो तुम हमारी भरवाओगी उसमें से हम निकाल लेंगे। तो यार ये शादीशुदा जिंदगी में ये सिलेंडर बड़ी बड़ी बुरी बीमारी है। अब ये माना कि पत्नी है, शादीशुदा लोग है, उन्होंने क्या करा, भाई पत्नी ने फोन करा, हाजी कहाँ हूँ, हाजी काम पे हूँ, काम पे हो, सिलेंडर खत्म हो गया, तो ऐसे लगता है जैसे अमेरिका में बम फटा। हाँ, शादीशुदा जिंदगी वालों के लिए ये बात बुरी है। और यार एक मैं रिश्तेदारी में गया, अपने वो बोले अरे यार नहीं साहब क्या बताऊं यार हालात इतने खराब है, मैंने यार एक एक किलो करके 5 किलो गैस पड़वा ली इसमें मैंने 100-100 रुपए की, और यार वो क्या नाम है 1300 रुपए इकट्ठे नहीं हुए इसमें सिलेंडर आ गया। इतनी जो है महंगाई की मार शादीशुदा जो है वो लोग झेल रहे हैं, और उसमें जो है आदमी रोमांटिक मूड लिया हुआ है, पत्नी से प्यार की बातें कर रही है वो दुनिया भर की, यानी कौन कौन सी पता चलती, पत्नी पति के दिमाग में अप्पा टप्पा चप्पा और अब कुछ और कह रही है, ये बड़ी मुश्किल बात है यार मेरे साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई और डालो, कोई और डालो आ रहा है यार, अच्छा कोई और डालो आ रहा हो, कोई और आपका फेवरेट जो आपको अकेले में हो और अकेले में भी आप वो डायलॉग को गुनगुना रहे हैं, आप रिहर्सल कर रहे हो? हाँ, तो एक वो मुगले आजम की है मेरे, हाँ, सुनाओ डायलॉग ज्यादा कर तो भाई ले लेना हमारे सीन आ रहा है। तो मुगले आजम का जो डायलॉग है जो एंड होता है, तो जो अकबर बादशाह होते हैं, तो जब वो ब्रेक ले ले बेटा, तो बाद में घर के असर है ना, घर पे चलते हैं। तो वो अकबर बादशाह होते हैं, तो वो आमने सामने बाप बेटे आ जाते हैं, तो डायलॉग होता है उनके पास में तलवार होती है, इससे पहले कि ये अकबरी तलवार तुम लोगों पे मौत बनकर छा जाए, अनारकली हमारे हवाले कर दो, ये तलवार जिसने बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड तोड़ा है आज मुहाफिज है, आज यलवार हो, यलवार हो, अनारकली हाथी पे बैठी हो, पटक खा के नीचे गिरी, बोली मैं तो राहुल गांधी से प्यार करके मुसीबत में पड़ गई, इससे बढ़िया किसी सिलाई के कारीगर से प्यार कर लेती, ये परचूनी वाले हैं इनसे प्यार कर लेती, जो हमारे त्रयो भाई इनसे प्यार कर लेती, राहुल गांधी तो मुसीबत में पड़ गई, राहुल गांधी कांग्रेस वाले नहीं भैया, फिर कमेंट करके दूसरे वाले हैं कोई दिल्ली में दोस्त, भैया वो दूसरे है भाई, पता चली यार मेरा मुसीबत खड़ी कर। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई मिल गए, तो बताइए भाई के डायलॉग आपको कैसे लगे, बांसुरी बजाई थी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा भाई जी, दिमाग में यार एक चीज है कि जैसे अब एक पुराने पुराने गाने हैं, तो एक बार मैं जावेद अख्तर को सुन रहा था, जावेद अख्तर ने कहा था कि ये जो पुराने गाने हैं वो सुने जाते हैं, नए गाने देखे जाते हैं, तो आजकल जो टेलीविजन पे यार एक जो अजीब अजीब तरीके के गाने हैं, यार मैं गानों का इतना शौकीन हूँ फिर भी यार मैं गाने यार मैं आजकल के गा नहीं पाता, अब एक थोड़ा पुराना गाना हो चुका, उस गाने में वो कहती है डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, वो डीजे वाले तो गाना तू बज, एक तो गाना उसमें बज रहा, अब ऊपर से वो एक और गाना बजा दे, तो उसका क्या माइक फाड़ने रह रहा था, मेरी एक बात भी समझ में नहीं आती यार। बहुत बढ़िया, बहुत अब बताओ ये गाने यार ये क्या घरों में बजाने लायक है, जैसे वो गाना है चुपके से तूने जो काटा है अरे छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बिंदा, हुनाला हुनाला तू है मेरी बंदगी, चुनाना चुनाना अब मैं जवा हो गई, हुआ जो तूने तो दिल मारी सीटी, देखते थे इन गालों पे पप्पे मीठी मीठी, अब वो सब वो है क्या नाम है ये सोना पहनते थे ज्यादा, बब्बी बब्बी वो पप्पी पप्पी लहरी बप्पी लहरी नाम है इनका, तो साहब हर वक्त सोना पहनते थे, इनकी जो एक बहन थी वो राजमा कौन ही वो भी निका सोना पहनती, मैं समझा ये बहन भाई है क्या है, मुझे लगा सोते टाइम भी सोना नहीं उतारते होंगे, और उसमें गाना है उनके पुराने पुराने गाना, कौन सा गाना होगा उनका पुराना यार, वो
हंसी जरूर आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कैसा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया।